नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी M51। दोस्तों हाल ही में इसमें अपडेट आया है वन यू आई कोर 2.5 का, और आप यहां पे देख सकते हो 2.5। और इसकी जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो है 1 नवंबर 2020। तो इसमें मैंने कई सारे फीचर्स चेक किए और आपको इस अपडेट में करीबन 20 नए फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये सारे जो 20 फीचर्स है आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको अगर सारे फीचर्स जानने हैं तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सिक्योर फोल्डर से। दोस्तों सिक्योर फोल्डर आपको यहाँ पे क्विक सेटिंग टॉगल में मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहली बार जब आप इसे क्लिक करोगे तो सेटअप होगा, और आप यहाँ से जो ऑप्शन है इसे इनेबल कर सकते हो। मतलब आपको अगर ऐप में दिखाना, होम स्क्रीन पे दिखाना है कि नहीं दिखाना है, आप यहाँ से उसे हाइड या शो कर सकते हो। दोस्तों जब आप इस पे लॉन्ग प्रेस करते हो तो इसकी सेटिंग्स को आप एक्सेस कर सकते हो। इसकी सेटिंग्स में आप जो क्विक स्विच है उसको इनेबल कर सकते हो। साइड की पे जाके आप क्विक स्विच टू सिक्योर फोल्डर, मतलब आप डबल प्रेस अगर करते हो अपने पावर बटन पे तो सिक्योर फोल्डर ओपन हो जाएगा। मान लो आप नॉर्मल गैलरी में हो और आपको जाना है सिक्योर गैलरी में, तो आपको डबल प्रेस करना है यहाँ पे पावर बटन पे, तो आप यहाँ पे सिक्योर गैलरी में जा सकते हो। और अगर आपको सिक्योर फोल्डर क्विकली एक्सेस करना है तो आपको डबल प्रेस करना है, तो सिक्योर फोल्डर ओपन हो जाता है। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे ऑल्ट जी लाइव का भी फीचर मिलता है, जिसमें आपको कंटेंट सजेशन का ऑप्शन मिलता है। तो कंटेंट सजेशन में यहाँ आपको ये बताया जाता है कि आपको कौन कौन से फोटोज हाइड करने चाहिए। तो जो भी प्राइवेट फोटोज होंगी, जो इंटीमेट फोटोज होगी, यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी। फिर आप इन्हें सिलेक्ट कर इन्हें डन कर सकते हो, या आप फिर कॉपी भी कर सकते हो या फिर मूव भी कर सकते हो। तो ये भी जो फोटो होंगे ये अपने आप सिक्योर फोल्डर में ऐड हो जाएंगे। अगर आपको सिक्योर फोल्डर और ऑल्ट जी लाइव के बारे में डिटेल में जानना है, आपको जानना है कि उसको अच्छी तरह से और किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था M31S पे। आप उस वीडियो को देख सकते हो, जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों जो अगला फीचर है वो है आप मैसेज की जो कैटेगरी होती है उन्हें आप एडिट कर सकते हो। तो जैसे आप जाते हो मैसेज में, आप यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके कैटेगरी तो ऐड कर ही सकते थे, लेकिन जब आप यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे नया ऑप्शन मिलता है एडिट कैटेगरीज का। तो यहाँ से आप जो कैटेगरीज है उन्हें यहाँ से एडिट कर सकते हो। आप किसी कैटेगरी को यहाँ से डिलीट कर सकते हो, और आप किसी कैटेगरी का नाम जो है उसे रीनेम भी कर सकते हो, या फिर आप कैटेगरी को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। दोस्तों फिर कैमरे के बारे में बात करें तो कैमरे में यहाँ पे एक नया फीचर ऐड किया गया है। जब आप वीडियो मोड में जाते हो तो पहले वीडियो मोड में यहाँ पे फिल्टर और फेस ब्यूटी को डिसेबल किया गया था, लेकिन अब आप रिकॉर्डिंग के दौरान फिल्टर्स और फेस ब्यूटी का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आपको स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ करते हुए एक नया फीचर मिलता है। जैसे मान लो अगर आप किसी विंडो को स्प्लिट स्क्रीन करते हो, यहाँ से ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन, और फिर नीचे आपको अगर सेटिंग्स ओपन करनी है तो आप यहाँ पे जब बीच में जो वाइट पट्टी है उस पर जब क्लिक करते हो तो आपको स्क्रीन स्वैप का ऑप्शन मिलता है। जो विंडो है ऊपर नीचे हो जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। प्ले स्टोर अभी ऊपर जाएगा, सेटिंग्स नीचे आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी अब स्प्लिट स्क्रीन में इसका यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आपको पता होगा आपको M51 में इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो जब आप यहाँ पे जाते हो क्विक स्क्रीन टॉगल में, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डर का। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना होता है। लेकिन जब पहले क्या होता था, जब आप इसे मिनिमाइज करते थे, मान लो ये जो पैनल है इसे मिनिमाइज करने पर ये दो जो होते थे पॉज और स्टॉप का ऑप्शन, ये आपको मिल जाता था जब आप मिनिमाइज करते थे फिर भी। लेकिन अब मिनिमाइज करने पर ये पूरा जो है पैनल मिनिमाइज हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप अच्छे तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डर कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे टाइमर आपको दिखाई देता है, और इसे एक्सेस करने के लिए आपको स्वाइप लेफ्ट करना है। तो आप इस तरीके से उस जो पैनल है उसे एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे AOD पे बिटमोजी का सपोर्ट भी मिलता है। तो बिटमोजी का यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको बिटमोजी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में, फिर आपको यहाँ पे क्लॉक स्टाइल में जाना है, सिलेक्ट करना है AOD, और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक एनिमेशन वाला क्लॉक, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो बिटमोजी का ऑप्शन आपको मिलता है। तो बिटमोजी पे क्लिक करके जो भी बिटमोजी के स्टिकर हैं आप उन्हें यहाँ पे अपने AOD पर सेट कर सकते हो। तो जैसे आप अपने फ़ोन को लॉक करते हो आपको यहाँ पे बिटमोजी का जो स्टिकर है AOD पे दिखाई देता है। दोस्तों आपने देखा होगा मैं यहाँ से इस बटन से क्लिक कर रहा हूँ और फ़ोन जो है लॉक हो जा रहा है। तो इस ऑप्शन को कहते हैं एक्सेसिबिलिटी मेनू, और इसको आप इस तरीके से अब मिनिमाइज कर सकते हो, और आप वन टैप में अपने स्क्रीन को लॉक कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट भी अगर क्लिक करनी हो तो वो भी कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे एक नया फीचर दिया गया है। जैसे आप जाते हो सेटिंग्स में, आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में, और फिर आपको यहाँ पे इंट्रैक्शन एंड डेक्सटेरिटी में जाकर
यहाँ पे असिस्टेंट मेनू पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिलता है आपको अभी, शो एज एज आइकॉन, तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। इस ऑप्शन को इनेबल करने पर ये जो क्विक सिलेंडर का टॉगल है ये कॉर्नर में यहाँ पे हाइड हो जाता है इस तरीके से, आप देख सकते हो। अभी मैंने इसे डिसेबल किया है तो ये इस तरीके से फ्लोटिंग विजेट बन गया है यहाँ पे, लेकिन आपको अगर एज पे हाइड करना है तो इसे इनेबल करना है, तो जो ये फ्लोटिंग ये विजेट है यहाँ पे एज पर हाइड हो जाता है। तो आप इस तरीके से वन टैप में स्क्रीन लॉक स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको वाईफाई शेयर करने के लिए नए फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप जाते हो सेटिंग्स में, जाते हो कनेक्शंस में और वाईफाई पे, तो वाईफाई की अगर आप सेटिंग्स में जाते हो तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन पहले तो मिलता ही था, और ये भी जो क्यूआर कोड होता था ये भी मिलता था, लेकिन यहाँ पे पहले आपको सेव एज इमेज और शेयर का ऑप्शन नहीं मिलता था, तो आप पहले इसे इमेज की तरह सेव नहीं कर सकते थे और शेयर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप इसे गैलरी में सेव कर सकते हो और इसे शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे पैनिक मोड में नया फीचर मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे जाते हो सेटिंग्स में, एडवांस फीचर में, पैनिक मोड में यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पे सेव कर देने हैं। इसके बाद जब भी आप ट्रिपल प्रेस करोगे पावर बटन पे तो इमरजेंसी कॉल होगा 112 पे, और जब भी आप कॉल करोगे इमरजेंसी पे तो एक मैसेज जाएगा आपके कॉन्टैक्ट्स को, और उस मैसेज में आपकी लाइव लोकेशन जाएगी और जो फोटो होगी वो भी कैप्चर होके चली जाएगी, और ये जो मैसेज होगा एक दिन में हर एक आधे घंटे के बाद जाएगा, मतलब एक दिन में 12 बार ये मैसेज जाता रहेगा आपके कॉन्टैक्ट्स को। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन भी मिलता है, तो जैसे आप जाते हो यहाँ पे सेटिंग्स में, साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको यहाँ पे मिलता है सिस्टम साउंड वाइब्रेशन कंट्रोल का ऑप्शन, तो आपको भी यहाँ पे नया वाइब्रेशन का टैब मिलता है जिसमें आप चार टाइप के वाइब्रेशन सेट कर सकते हो, नेविगेशन जेस्चर के लिए, डायलिंग कीपैड के लिए, टच इंट्रैक्शन के लिए और सैमसंग कीबोर्ड के लिए, तो ये वाइब्रेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे वाइब्रेशन इंटेंसिटी का ऑप्शन भी मिलता है, इसके जरिए आप वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है उसे लो, मीडियम और हाई पे रख सकते हो। और दोस्तों यही जो वाइब्रेशन है आपको कीबोर्ड में भी मिल जाते हैं, तो जैसे आप कीबोर्ड का यूज़ करते हो यहाँ पे आपको जब आप जाते हो सेटिंग्स में तो आपको यहाँ पे स्वाइप टच एंड फीडबैक में आप यहाँ पे देख सकते हो टच फीडबैक, तो आप यहाँ से जो वाइब्रेशन है कीबोर्ड के लिए वो इनेबल कर सकते हो। अभी दोस्तों कीबोर्ड में आपको कई नए सारे फीचर्स मिलते हैं, तो जैसे आप अपने फ़ोन को रोटेट करते हो लैंडस्केप मोड में और जब आप कीबोर्ड का यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे स्प्लिट कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इसे एक्सेस करने के लिए थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मोड्स में जाना है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्प्लिट कीबोर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा आप इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो कीबोर्ड साइज में जाकर, अगर आपको साइज बढ़ानी हो या कम करनी हो तो आप ये भी कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा कीबोर्ड में आपको अब स्टिकर का सजेशन भी मिलता है, तो जैसे आप हेलो लिखते हो तो पहले इमोजी का सजेशन तो होता ही था, लेकिन अब यहाँ पे स्टिकर का सजेशन भी होता है, तो आप इस तरीके से कुछ भी टाइप करते हो तो वहाँ पे स्टिकर का सजेशन आ जाता है और आप उन स्टिकर को सेंड कर सकते हो। उसके लिए आप जैसे यहाँ पे जाते हो कीबोर्ड की सेटिंग्स में, यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्ट टाइपिंग में सजेस्ट स्टिकर्स वाइल टाइपिंग, आपको ये नया फीचर मिलता है, और कौन कौन से स्टिकर के ऐप हैं आपको इनेबल करना है उन स्टिकर्स के ऐप को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, बिटमोजी, एआर इमोजी, मोजीटॉक, और इसके अलावा जो सजेशन दिखा रहे स्टिकर का वो आपको कहाँ पे दिखाना है, कीबोर्ड के अंदर दिखाना है कि कीबोर्ड के ऊपर दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ तो जो सजेशन है मुझे कीबोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे सजेशन दिखाई देंगे। दोस्तों फिर वैसे ही अगर आप जाते हो कीबोर्ड की सेटिंग्स में तो यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी कंटेंट का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपको कीबोर्ड में कौन कौन से फीचर यूज़ करने, बिटमोजी, मोजीटॉक, गिफी, गूगल, तो ये भी फीचर आप अपने अब कीबोर्ड में यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे यूट्यूब, बिटमोजी, एआर इमोजी और ये सर्च है जो गूगल सर्च है, तो आप कुछ भी यहाँ पे सर्च करोगे तो ये गूगल का सर्च होगा। दोस्तों फिर आपको कीबोर्ड में यूट्यूब का बटन भी मिलता है, तो जो भी आपको यूट्यूब में सर्च करना हुआ, अगर आपको किसी वीडियो की लिंक सेंड करनी हुई तो आपको यूट्यूब ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, आप उसी मैसेजिंग ऐप में यूट्यूब ओपन करके उसकी लिंक सेंड कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे आपको जाना है सर्च में, फिर आपको सर्च करना है, जैसे मान लो मुझे सर्च करना है सॉन्ग, तो मैं सॉन्ग सर्च करूंगा और यहाँ पे यूट्यूब के बटन पे क्लिक करूंगा, तो जो यूट्यूब के सर्च होंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और आप यहाँ से यूट्यूब की जो लिंक है वो सेंड कर सकते हो बिना अपने मैसेजिंग ऐप को लीव किए हुए। दोस्तों वैसे ही जब आप जाते हो कीबोर्ड की सेटिंग्स में आपको जाना है लैंग्वेज एंड टाइप्स में,
यहाँ पे मैनेज इनपुट लैंग्वेज में पहले सर्च का ऑप्शन नहीं होता था, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ता था ऑल द वे कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप यहीं से उसे सर्च कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट आ जाता है दोस्तों। फिर आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी लॉन्चर्स में नेविगेशन का सपोर्ट भी मिलता है, तो आप फुल स्क्रीन जेस्चर का यूज़ कर सकते हो किसी भी लॉन्चर में होते हुए, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे नोवा लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ और मैं सभी जेस्चर को अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये थे कुछ 20 नए फीचर्स जो आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 के वन यूआई कोर 2.5 के अपडेट में मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।